सबको पता है चित्रांगदा सिंह, मैं पागल हूँ। लड़की के पीछे भागने के लिए मोबाइल नंबर चेंज किए जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही पपराजी का कुछ बोलती है तो मैं वही सुनता हूँ यार, एकदम मस्त चीज़ें करती है। और जैसे ही मैं टर्न किया, उन्होंने चपेट मारी, मुझे बालों से पकड़ के बाहर कर दिया। सोने से एक घंटा पहले मैं सिर्फ स्टॉकिंग करता हूँ। यश बॉय हनी सिंह, मैं करने जा रहा हूँ बॉलीवुड नाव के साथ इश्क वेश रैपिड फायर। जब मैं 8वीं में था, एक लड़की से उसी दिन, क्योंकि उसको मैं पसंद ही नहीं आया। बहुत कुछ करिए, सब सीक्रेट है, ये सब नहीं बताने वाला मैं। पापा के झूठ बोल के कभी पैसे नहीं लिए, पापा के जेब से इतने पैसे चुराए हैं मैंने जिसका कोई हिसाब नहीं। पापा मम्मी ने तो चपेटे बहुत मारी हैं भर भर के, और पापा तो सिर्फ डांटते रहे काफ़ी साल, अब बड़ा प्यार करते हैं, अब ठीक है। बहुत बारी मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल दिल्ली में पढ़ा हूँ, और वहाँ पर हमारे दिवाली में बड़ा फैशन होता था कि बम फोड़ने का। तो एक बारी की बात है कि मैं क्लास के अंदर ही लड़ी बिछा रहा था, मैंने कहा मैं गोला बम नहीं फोड़ूंगा, मैं साला लड़ी जलाऊंगा। तो मैं लड़ी बिछा रहा था, और जैसे जैसे मैं लड़ी उल्टा होकर बिछा रहा था, इधर से मेरे प्रिंसिपल साहब लड़ी लपेटते आ रहे थे, और जैसे ही मैं टर्न किया, उन्होंने चपेट मारी, मुझे बालों से पकड़ के बाहर कर दिया स्कूल से। सबको पता है चित्रांगदा सिंह, सब भाभियाँ हैं यार अब तो, किसके साथ जाएंगे डेट में। बहुत सारी, ऐसा कुछ खास याद नहीं, बस एक्साइटेड होते हैं सब। मैं पागल हूँ। लड़की के पीछे भागने के लिए मोबाइल नंबर चेंज किए जाते हैं। लड़की से पीछा कौन छुड़ाना चाहता है। राखी सावंत की, वो मस्ती करती रहती है ना, जो बहुत बढ़िया, वो बड़ी प्यारी लगती है मेरे को। मतलब वो कुछ भी करती रहती है, बिंदास है बहुत। वो सिर्फ गाड़ी से बाहर निकलते ही पपराजी का कुछ बोलती है तो मैं वही सुनता हूँ यार, एकदम मस्त चीज़ें करती है। वो बहुत रैंडम है, बहुत नेचुरल है वो, और मैं उनसे एक बार मिला भी हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। अनफॉलो करके कभी स्टॉक नहीं किया, वैसे मैं सारा दिन करता ही स्टॉकिंग हूँ। सोने से एक घंटा पहले मैं सिर्फ स्टॉकिंग करता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसी, हर तरह से मेरे जैसी।